नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज, नजर हर खबर पर। अभी रुक जाओ, रुक जाओ। प्रसारण धर्म रक्षा संघ के बीच देखेंगे यहाँ से मेरा तो है चलो एक बार फिर लिंक भेजो। लिंक भेजो लिंक भेजो किसका था? मेरा दीदी का नाम आ रहा है, नाम तो आ रहा है, उनका कैमरा ऑफ है। ये बताइए जो भी कर दूंगी तो अभी को करेगा, अभी ट्राई कर दूंगी। लाइव जुड़ चुकी है, लाइव जुड़ चुकी है। तो आप जनार्दन जी इधरी आप आ जाना। जनार्दन शर्मा जी मथुरा की सांसद, यशस्वी सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी के प्रतिनिधि भी हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारी सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी की ओर से वो माल्यार्पण करें रजत सिवा को उस पर। धर्म जिनके रगों रगों में बसा हुआ है, ऐसे हमारे लोकसभा के प्रतिनिधि संसद श्रीमती हेमा मालिनी के द्वारा रजत शिला का पूजा किया जाना, और विशेषतया डॉक्टर जो होता है वो सीजर ऑपरेशन गुलती करता है, लेकिन असिस्ट करने वाले उसके अच्छे होना चाहिए। तो हमारे जो जनार्दन द्विवेदी जी हैं असिस्ट करने वाले, जैसे होता है वो कार्य करवाते हैं, तो ये भी उसके और हमारे धर्म रक्षा संघ के अध्यक्ष श्री सौरभ जी गौड़, प्रजापति जी हमारे महामंत्री और जिला। आज धर्म रक्षा संघ की ओर से जो रजत शिला ब्रज की 84 कोस की रज एकत्रित करके जो शिला तैयार की गई है, उस रजत शिला का पूजन हमारी मथुरा की माननीय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी द्वारा ऑनलाइन किया गया, और बड़े भक्ति भाव से उन्होंने रजत शिला का पूजन किया। उन्होंने बहुत इस बात के लिए दुख भी व्यक्त किया कि वो स्वयं आकर रजत शिला का अपने कर कमलों से पूजन करना चाहती थी, लेकिन समयाभाव के कारण, कोरोना के कारण वो इस समय ना आ सकी। मगर उन्होंने वहाँ बैठ के अपनी शुभकामनाएं दी, मंगल कामनाएं दी। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष श्रीमती मधु शर्मा जी ने भी आज यहाँ पूजन करके हमारा धर्म रक्षा संघ के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। अब बहुत जल्दी आने वाले 2-3 दिनों के अंदर ही हम इस रजत शिला को लेकर लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास और ऊर्जा मंत्री जी के श्रीकांत शर्मा जी के आवास पर पूजन कराते हुए अयोध्या में जाकर महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज को सौंपेंगे। अब समय आ चुका है, अब जो भी ब्रजवासी लोग 1 या 2 दिन का समय हमारे पास बचा है जो पूजन करना चाहें, तो वो हमारे पास आके इस शिला का पूजन कर सकते हैं।